हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद शीतल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो विंटर स्पेशल है और सर्दियों में हम सबको ज़रूर खानी चाहिए। इसे खाने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है और बॉडी में एनर्जी आती है। ये है ड्राई फ्रूट्स और तिल के लड्डू जो देसी घी में बने हुए हैं। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लें, उससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। तिल में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन जैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और हमें इसे अपने खाने में ज़रूर ऐड करना चाहिए। मैंने यहाँ 100 ग्राम तिल लिए हैं और इनको सूखा ही हल्का सा रोस्ट कर लिया है जब तक खुशबू नहीं आती है। अब बात करते हैं कि तिल के खाने से क्या फ़ायदा है। तो तिल खाने से हमारे दिमाग को ताकत मिलती है, हड्डियाँ मजबूत होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हाइपरटेंशन दूर होता है और हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। तो हमें तिल को अपने फूड में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ मैंने तिल को हल्का सा रोस्ट कर लिया है, अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। हम गरम गरम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब अगली चीज़ जो हमने ली है वो है मखाने। मखाने तो हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है ये हम सब जानते हैं। इसमें फाइबर है, पोटेशियम है, आयरन है और मैग्नीशियम है। तो इसको भी मैंने 2 चम्मच घी डाल के हल्के से भून लिया है। इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। मखाना तो लेडीज़ और जेंट्स और बच्चों सभी को ही खाना चाहिए। इसे खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हार्ट और हमारी बॉडी को ताकत मिलती है, साथ ही अर्थराइटिस में ये बहुत फ़ायदा करता है, स्पेशली जिसको आरए अर्थराइटिस है। तो चलिए अब बात करते हैं पम्पकिन सीड्स की। और यहाँ मैंने 5 तरह के सीड्स डाले हैं, उसमें पम्पकिन भी एक है। तो इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि इनको भी हमें अपने फूड में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसको खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, डायबिटीज़ के लिए और हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, साथ ही वेट लॉस में भी ये कमाल का काम करता है। अब बात करते हैं सनफ्लावर सीड्स की। ये सारे सीड्स जितने भी मैंने बताए हैं ये सब मेडिसिन का काम करते हैं। ये सीड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। तो इनको खाने से हार्ट, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, कैंसर, साथ ही हमारी बॉडी को ताकत देने का काम करते हैं। इन सभी सीड्स की क्वांटिटी मैंने 2-2 बड़ा चम्मच ली है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मगज़ की बात करते हैं। ये खरबूजे या तरबूज के बीज हैं जिनको मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। और इसको खाने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है, साथ ही आइज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही ये जितने भी सीड्स हैं इनको हमें सर्दियों में ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। ये हमारी बॉडी को हीट देते हैं। अब बात करते हैं अलसी के सीड्स की। इसके बारे में तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको भी मैंने 1 चम्मच लिया है और ये वेट लॉस में कमाल का काम करता है। तो इसे भी ज़रूर अपने फूड में इंक्लूड करना है हमें। ये पाचन शक्ति को अच्छा करता है, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और स्किन के लिए और बालों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। इसके बाद हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो है अखरोट। अखरोट तो हम सब जानते ही हैं कि हमारी याददाश्त को बढ़ाता है और बहुत सारी बीमारियों को कम करता है, हार्ट से रिलेटेड जो भी हमारी बीमारियां हैं, जो हमारी बॉडी में जो हमें वीकनेस फील होती है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने सभी सीड्स को मिक्स करके रोस्ट करने के लिए रख दिया है। मैंने इनको सूखा ही रोस्ट किया है, इनमें घी नहीं डाला है। ध्यान रखें हमें इनको हल्का सा पिंक ही करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना इनका टेस्ट बदल जाएगा। अब जो अगली चीज़ हमने अपने खाने में डाली है वो है काजू और बादाम। इनकी क्वांटिटी 20 से 25 मैंने ली है। आप अपने इच्छानुसार इनको कम ज़्यादा कर सकते हो। ये दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी को और हड्डियों को मजबूत करती हैं, साथ ही डायबिटीज़ और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी रखती हैं। अगर हमारे गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती हैं। अब मैंने इसको रोस्ट करने के बाद मिक्सी में हल्का सा पीस लिया है। ध्यान रखें कि हमें इसको ठंडा ज़रूर करना है। ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स के बाद मैंने तिल को भी हल्का सा दरदरा ही पीसा है। साथ ही जो ये 5 सुपर सीड्स हैं इनको मैंने ठंडा करके इनको भी दरदरा पीसा है। आप चाहें तो इनको बारीक कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इनको हल्का सा दरदरा ही रखें। यहाँ मैं 2 चम्मच कोकोनट पाउडर भी डालूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आपने इनको गर्म पीसा तो ये अपना ऑयल रिलीज कर देते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब नारियल के बारे में बात करते हैं। इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और नारियल स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो देखिए अब मैंने हर चीज़ को पीस के अच्छे से इसमें डाल लिया है। अब मैंने यहाँ पिसी हुई शक्कर डाली है। आप चाहें तो पिसी हुई जैगरी या गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब मैंने खोआ इसमें डाला है जिसमें मैंने आधा कप घी डालकर इसको अच्छे से भून लिया है। ये ऑप्शनल है, वरना आपको घी ज़्यादा डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने घी और खोया दोनों का ही यूज़ किया है। खोया को हम मावा भी कहते हैं। तो जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद हमें इसको इसमें मिक्स कर देना है ठंडा होने के बाद। मावा के रोस्ट होने की पहचान है कि वो अपना घी छोड़ देता है। तो चलिए अब इसमें एक चीज़ और मैंने डाली है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ही आप इसका यूज़ करें। मैंने इसमें एक छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च डाली है क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मेडिसिन का काम करती है और ये वेट लॉस में, कैंसर में, जोड़ों के दर्द में, खांसी में, पेट में अगर अल्सर है, हमारे पाचन को अच्छी रखती है और आइस के लिए कमाल का काम करती है। साथ ही अगर सिर दर्द है तब भी हमें सफ़ेद मिर्च को खाना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। अगर आपको ये थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप इसमें एक या दो चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं, या फिर आप लड्डू बनाते टाइम अपने हाथों पर थोड़ा थोड़ा घी लगा लें, तब भी ये लड्डू आसानी से बन जाएंगे। इस तरह मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। सर्दियों में हमें ये लड्डू ज़रूर खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स और तिल के लड्डू हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ जो मैंने 5 सुपर सीड्स डाले हैं आपको उनको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। आप चाहें तो उनको रोस्ट कर डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं और रोज़ एक चम्मच उनका सेवन कर सकते हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो हमारे हार्ट के लिए, बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा काम करती हैं। साथ ही ये हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करती है, तो कोशिश करके हमें अपने बच्चों को जरूर खिलानी चाहिए। वैसे तो आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, हम सबको ही इसको जरूर खाना चाहिए। और सर्दियों में ये हमारी बॉडी में हीट डेवलप करती है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।